ट य right और एक क्लाइंट ने बड़े अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चन बना के भेजा चार पाँच का मैंने कहा चले बारी बारी करके उस पर वीडियो बनाते हैं तो उसमें पहला था कि ब्राउन शुगर और वाइट शुगर का बता दें कि वेट लॉस और डायबिटीज़ में व्हाइट शुगर का तो सबको पता ही है तो क्या ब्राउन शुगर ऑल्टरनेटिव ली जा ली जा सकती है वो अच्छी है या अदरवाइज भी कैसी है शुगर हमारे पास आती है जी गन्ने का जूस आपके पास निकाला जाता है और जब उसको बॉयल किया जाता है तो जो पहली फॉर्म हमारे पास बनती है वो गुड़ बनती है जिस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ जो हम सबको पता है कि एक हेल्दी ऑप्शन है लेकिन कैलरीज उसमें भी ज़्यादा है तो उसको मॉड्रेशन में कंज्यूम करना है वेट लॉस की डाइट प्लान में आप गुड़ इंक्लूड नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं तो हाँ आप गुड़ ले सकते हैं खाने के बाद मैं उसको कहती हूँ क्योंकि वो हाजमे में हेल्प करती है और ब्लड डिटॉक्स में भी एक छोटा सा टी ठीक है क्योंकि उसमें भी कैलरीज तो होती हैं लेकिन उसकी वो जब आप लेंगे कैलोरीज के साथ साथ आप फ़ायदे भी लेंगे अब जब गुड़ को मज़ीद रिफ़ाइन किया जाता है तो आपके पास आ, आ, जो है अच्छा शुगर आपके पास ये जो शुगर के जूस को आप बॉइल करते रहते हैं करते रहते करते रहते हैं वाइट शुगर तो जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो शुगर होते हैं और जो ब्राउन सिरप सिर्फ निकल जाता है ना उसको मोलेस कहते हैं ठीक है अब जब आप गुड़ को मजीद रिफ़ाइन करते हैं तो आपके पास ब्राउन शुगर आती है अब जब आप उसको मजीद रिफ़ाइन करते हैं कि उसमें से मोलेस भी निकल जाते हैं तो वाइट शुगर आ जाती है जो कि एम्टी कैलरीज है जिसमें जीरो न्यूट्रिशन है सिर्फ बीमारियां हैं मोटापा है और उसका कोई फायदा नहीं है अब ब्राउन शुगर क्या है आपके पास जिसको फूड इंडस्ट्री इतना ब्राउन लवस को कैश कर रही है ब्राउन ब्रेड ब्राउन शुगर ब्राउन राइस ब्राउन शुगर आपके पास है वाइट शुगर प्लस मॉलिस मॉलिस आपके पास वो सिरप है जब आप शुगर को शुरू में रिफाइन कर रहे थे क्रिस्टल्स के अलावा सिरप जो निकला था मॉलिस में आपके पास कैल्शियम है आयरन है मैग्नीशियम है पोटेशियम है मिनरल्स हैं जिनके डेफिनेटली फ़वाद हैं ओके अब ब्राउन शुगर में ये मोलेस सिर्फ पाँच परसेंट होता है और बाकी की वाइट शुगर नाइन्टी फाइव परसेंट होती है और ये पाँच परसेंट मॉलेस जितना होता है बेशक इसमें मिनरल्स हैं अगर आप इसको कंज्यूम कर भी लें तो आपको इसका एज सच कोई ख़ास फायदा नहीं है ठीक है मतलब इसका जो नुकसान है वो फ़ायदे से ऊपर है ब्राउन शुगर में भी ऑलमोस्ट शुगर जितनी कैलरीज हैं सिर्फ एक कैलरी का फ़र्क है एक टी स्पून में ब्राउन शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई है यानी ये ब्लड में शुगर तेज़ी से रेस करता है तो डायबिटिक्स के लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और मोर ओवर आप बाज़ारों से जो ब्राउन शुगर ले रहे हैं वो नॉर्मली वाइट शुगर होती है जिसमें बनने के बाद वो मॉलेस ऐड कर देते हैं तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है अब अगला सवाल मेरे पास ये आ गया कि ब्राउन शुगर एक्सपेंसिव क्यों है देखिए जी ब्राउन शुगर इससे एक्सपेंसिव है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है यानी वो जल्दी एक्सपायर हो जाती है पानी छोड़ देती है शेल्फ लाइफ उसकी क्यों कम होती है क्योंकि उसमें मोलेस एडिड होता है मॉलेस की वजह से उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है यानी वाइट शुगर की शेल्फ लाइफ तो बहुत ज़्यादा होती है जिस तरह वाइट ब्रेड की बहुत ज़्यादा होती है पंद्रह दिन भी रखें फ्रिज में तो खराब नहीं होगी ठीक है क्योंकि उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह ऐड किए होते हैं सेहत के लिए बहुत ख़राब है वाइट शुगर अब ब्राउन शुगर की क्योंकि शेल्फ लाइफ कैलोरीज उतनी है ठीक है फ़ायदा कोई नहीं है लेकिन उसमें क्योंकि मोलिस ऐड किया तो महंगी है तो क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल और जहनी इंपैक्ट है कि महंगी है तो ये हेल्दी होगी तो हम उसको खरीदते हैं तो जी सौ बातों की एक बात यह हुई कि ब्राउन शुगर ना डायबिटिक्स के लिए अच्छी है ना वेट लॉस में हेल्प करती है ना अदरवाइज हेल्थ के लिए अच्छी है आप समझिए कि आप वाइट शुगर ही खरीद रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है गुड़ इज़ अ बेटर ऑप्शन लेकिन वेट लॉस में वो आपको हेल्प नहीं करेगी डायबिटिक्स भी इसको खुले खुला बगैर बेलगाम कंज्यूम नहीं कर सकते लेकिन गुड़ बहुत अच्छे से सेहत के लिए डाइजेशन के लिए ब्लड डिटॉक्स के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इवन के खून बढ़ाने के लिए ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट इट दिर इज बिग नो टू ब्राउन शुगर फ्रॉम माई साइड मैं आप लोगों तो से इंशाल्लाह फिर इन शफॉर्मेशन वीडियो के साथ मिलूंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़